आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम परमाणु क्या होता है, व्हाट इज एन एटम, इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई बॉम्बी एंटहिल देखी है? बॉम्बी की रचनात्मक इकाई क्या होती है? बिल्कुल ठीक, ये रेत का एक छोटा सा कण होता है। इसी तरह क्या आपने कभी सोचा है कि सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई परमाणु एटम होती है। क्या आपने कभी परमाणु को देखा है? नहीं, लेकिन क्यों? क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना या तुलना नहीं कर सकते। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में नापा जाता है। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक चट्टे के रूप में रखा जाए तो बड़ी मुश्किल से कागज की एक शीट जितनी मोटी परत बन पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम इनके आकार की सूक्ष्मता को नगण्य मान सकते हैं, तो हम इसके बारे में अध्ययन क्यों करें? हमें इसका इसलिए अध्ययन करना चाहिए क्योंकि हमारा पूरा विश्व परमाणुओं से ही बना है और ये परमाणु हमारे प्रत्येक क्रियाकल्पों को प्रभावित करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखें कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के क्या प्रतीक हैं। डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। इसके पश्चात बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया जो उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। प्रारंभ में तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए थे, जैसे कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ तथा कुछ तत्वों का नाम विशिष्ट रंगों से लिया गया, जैसे स्वर्ण, गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है पीला। आधुनिक काल में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC तत्वों के नामों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। उदाहरणतः हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम AL, कोबाल्ट CO इत्यादि। ठीक इसी तरह कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं, जैसे क्लोरीन CL, जिंक ZN इत्यादि। कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनके प्रतीकों को लैटिन, जर्मन या ग्रीक भाषाओं में उनके नामों से बनाया गया है, जैसे लोहे आयन का प्रतीक Fe है जो उसके लैटिन नाम फेरम से व्युत्पन्न किया गया है। इसी प्रकार सोडियम का प्रतीक Na तथा पोटेशियम का प्रतीक K क्रमशः नैट्रियम एवं केलियम से व्युत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। चलिए अब हम परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास पर चर्चा करें। डाल्टन के अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास होता है। डाल्टन के सिद्धांत से प्रेरित होकर बर्जिलियस परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए रासायनिक संयोजन के नियमों के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा
सापेक्ष द्रव्यमानों को ज्ञात किया गया। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें। कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बन एवं ऑक्सीजन से निर्मित होता है। ये 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोजन से निर्मित होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्बन अपने 4/3 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होता है। अब यदि हम परमाणु द्रव्यमान की इकाई को 1 कार्बन परमाणु द्रव्यमान के बराबर मानते हैं तो कार्बन परमाणु द्रव्यमान को 1.0U तथा ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान को 1.33U निर्दिष्ट करेंगे, जहां यू यूनिफाइड द्रव्यमान है। लेकिन क्योंकि द्रव्यमान को पूर्णांक या लगभग पूर्णांक में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक है, आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमानों की भिन्न भिन्न इकाइयों की शोध की। इस दौरान उन्होंने प्रकृति जन्य ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान के 1/16 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिया। ये इसलिए सुसंगत समझा गया क्योंकि एक ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। 2 इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। तथापि 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप को मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था। आइए इसे एक दैनिक उदाहरण द्वारा समझें। कल्पना कीजिए कि एक फल विक्रेता एक तरबूज लेकर कहता है, इसका द्रव्यमान 12 इकाई है। फिर वो तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करता है तथा पाता है कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के सापेक्ष है। अब वो फलों को सापेक्ष पहल द्रव्यमान इकाई फ्रूट मास यूनिट FMU में बेचता है। ठीक इसी उदाहरण की तरह किसी भी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम अणु क्या है, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, इसके बारे में जानेंगे।